ब्लॉग नहीं आएगा, ब्लॉग नहीं आएगा, ब्लॉग नहीं आएगा आपको कहीं। ऑल राइट, सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू एंड विदाउट साउंड विदाउट फैन। मैंने अभी भी सुना भाई, कितना बेकार आ रहा था साउंड फैन का। एंड अब जाके मेरा आज का वर्कआउट खत्म हुआ, करनी होती है अदर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज यू हैव टू फिल। ऑल राइट, सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू हमारा व्लॉग निकल रहा है, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। ये हमारा व्लॉग नंबर 9। एक बात बताओ, तुम सभी ने जो मेरा 3 दिन वाला व्लॉग देखा ना, उसके बाद या 4 दिन के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मन नहीं कर रहा था। बहुत कुछ तुम लोगों को भी क्वेश्चन होगा, कभी रिजल्ट का क्या हुआ एंड ऑल, इतना दिन कहाँ था। एंड बाय द वे टाइमिंग की बात की जाए, मैं सुबह 9 बजे उठ गया था, 10 बज रहे अभी, 10 बज रहे। हैविंग एन ग्लास ऑफ चाय, जिसके अंदर ज़्यादा चाय नहीं है, एंड यहाँ पे 2 टोस्ट बस भाई। लाइट ब्रेकफास्ट सही है, तो चलो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते, बिकॉज इसके बाद मेरे को लॉ का लेक्चर भी देखना है। एंड आजकल तो भाई स्टडीज का टाइम एकदम वाट लगी बड़ी। चलो मिलते बाद में भाई, अभी उन्होंने अंधेरा हो गया, लाइट बंद कर दी है। 5 मिनट के अंदर चाय वगैरह सब कुछ पी चुके हैं, ईयरफोन लेते हैं, देखे कुछ बुक्स वुक तो रिमेनिंग नहीं है, नहीं है। चलो यहाँ से पंखा स्विच करते हैं बंद और चले फटाफट अपने छत पे। ओ भाई साहब, ये रहा आ गए अपना, हमारी जीवन भूमि कर्म भूमि सब यही है भाई। आइए बोलो, ये हाथी लेट गया कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही। चलो फिर तुरंत तुरंत भी पहले चालू करते अपना पढ़ना। चलो तो ऑल राइट गाइस, अकाउंट का लेक्चर हो चुका पूरा, सॉरी अकाउंट नहीं, 2 घंटे का लॉ का लेक्चर हो चुका खत्म। अपने पीछे अपना लैपटॉप में बूटअप चालू कर दिया है भाई, अब अकाउंट का लेक्चर देखो। हाँ यार, अकाउंट देख रहे हो, ये खाली ये 2 बुक्स आती है अकाउंट की, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, ये सिर्फ फाउंडेशन कोर्स के अंदर है। चलो बाकी सब सेटअप हो गया, अब चलो मिलते हैं अकाउंट के लेक्चर पर, चूँकि चलेगा मेरा लगभग 2 घंटा, तो फिर मिलते हैं उसके बाद चलेंगे भाई, नीचे लंच वगैरह करेंगे, तो मिलते हैं भाई। हाँ चलो पकाऊंगा, चलो मिलते हैं 2 घंटे के बाद अकाउंट के लेक्चर पर, बाय। तो ऑल राइट गाइस, अभी अभी एक और पार्सल आ चुका है, क्योंकि अब तो प्योर मैंने मंगाया था 1+ का नेक बैंड, मतलब मेरा नहीं है, चाचा ने मंगाया था, उन्होंने सेकंड ऑर्डर कर दे, तो जस्ट देख सकते हो मैंने अभी हल्का सा ओपन कर दिया था, बाद में मेरे को और जस्ट यहाँ पे बुक को इग्नोर करो, वहाँ पे मेरा लेक्चर चल रहा था, बट लेक्चर के बीच में ही सब कुछ आ जाते हैं। ये अपना 1+ का नेकबैंड, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये अभी अभी जस्ट मैंने ही खोला है, तो कुछ टेंशन लेने वाली बात तो है नहीं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इसे ओपन करते हैं, आइए नाइस, ये ओपन हो गया, अब 2 मिनट मेरे को होल्ड करना बस। और रेड गाइस, इसके स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, बेस बूट इसके अंदर ड्राइवर है, मेरे बोट वाले के अंदर से 40 आवर्स का बैटरी है, बट इसके अंदर है 17 आवर्स का, कोई बात नहीं। वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट वो भी है, ये भी है, मैग्नेटिक कंट्रोल है, क्लियर एंड स्टेबल कॉल दोनों में है। एंड यहाँ पे भी मेरे को वही चीज़ अच्छी लगी, 4 for 10 मिनट एंड 10 आवर्स का बैकअप। बस यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, 2190 दिए, बट मेरे को पड़ा है 1999 में, लगभग 200 रुपया और सस्ता। चलो इसको अनबॉक्स करके फिर तुम सबको दिखाते हैं। सो यार जस्ट लेट्स ओपन, एंड यस इट्स लाइक दिस। भाई यार पता है, 1+ की पैकेजिंग बहुत अच्छी रहती है, एंड यार यू कैन सी ये क्या पैकेजिंग है यार भाई। यार इसे तो बाद में चेकआउट करते हैं, सबसे पहले भाई 1+ की एक्सेसरीज ब्रिलियंट। अपना बोट वाली भी अच्छी रहती है, बट यार बोट थोड़ी चीप लगती है, इनकी उतनी चीप लगती नहीं है। अब देखते हैं इसके अंदर इन्होंने क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले इन्होंने रेड केबल कार्ड दे रखा है, 1+ का कनेक्टर टाइप सी दे रखा है कनेक्टर बस, और कुछ एक्स्ट्रा एयर टिप दे रखे होंगे। नाउ लेट अस डू इट, यहाँ पे सेलो टेप लगाया जाता है। ये सेलो टेप निकला, ये भी निकला, एंड बूम भाई बहुत ही सही है, ये ओपी है। मेरे को ना 1+ वाला ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज ना इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, बट ना इसका जो नेक बैंड है ना बहुत ही सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, आप लोग इसे आराम से मोड़ विड़ के देख रहे हो, अब ये ऐसे भी हो जाता है एकदम फोल्ड वेन ऑल होके। इसकी साउंड क्वालिटी तुमसे को चेक करेंगे तुम्हें बता। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ब्लूटूथ ऑन किया, 1+ बुलेट वायरलेस जेड भी मिल गया, इसे पेयर करते हैं, वो पेयरिंग भी फास्ट हो गई एंड यस कनेक्ट हो गया। तो भाई बैटरी लेवल 20%। तो यार गाइस, इसकी अब माइक क्वालिटी जो तुम चेक कर रहे हो वो इसी के रिकॉर्ड हो रही है, तुम सभी को मालूम पड़ जाएगा। इंडोर में नॉर्मली वो तो यहाँ पे ऊपर एक फैन चल रहा है, बस फिर एकदम बगल में
फैन की आवाज़ आने के बाद ऐसी माइक क्वालिटी उसकी रिकॉर्ड है और ऐसी साउंड क्वालिटी की बात की जाए भाई बहुत सही है एंड मेरे को अपने बोट वाले से ज़्यादा अच्छा लगा। बट देखो अगर तुमसे देखो मैं दोनों के बीच में वो दूँ ना, यही मेरे पास बोट वाला भी है, मैंने बोट वाला क्यों चूज़ किया, मेरे को सस्ते में पड़ा 1300 रुपीज़ में, 2000 रुपीज़। तो अगर मेरे पास बजट है तो भाई ले लो बिंदास, अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जस्ट यही टाइप का रिव्यू। अब चलो अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, बाद में लेक्चर करते हैं। ये तो अचानक से आ गया प्रोडक्ट, इसके लिए तुम्हें बताना प्रोडक्ट बताना, इसका कोई ब्रांड नहीं था बताने का, एंड इसकी वॉइस क्वालिटी बताना कैसी है ब्लॉग में कमेंट में। चलो मिलते बाद में। एंड विदाउट साउंड विदाउट फैन, मैंने अभी भी सुना भाई कितना बेकार आ रहा था साउंड फैन का। तो तुम देख सकते हो मतलब आउटडोर में अगर तुम किसी से कॉल पे बात कर रहे हो तो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, हाँ बट ठीक है काम चला देगा तुम्हारा। ऑल राइट, अब जब साइलेंस है देखो एकदम अच्छे से साउंड रिकॉर्ड हो रही होगी। चलो मिलते ब्लॉग में बाद में, टाटा बाय बाय। ऑल राइट गाइस, लगभग टाइमिंग की बात की जाए तो जस्ट वन सेकेंड, यस 2:30 हो रहा है, 2:30 हो रहा है। मेरे अकाउंट के लेक्चर भी कम्प्लीट हो गए भाई, लंच भी हो गया, लंच थोड़ा हैवी हो गया। अब कितना सुकून लग रहा है, अब मस्त खेलेंगे 1 से 1.5 घंटा पबजी, फिर के बाद 5:30 बजे अनअकैडमी में मेरा लाइव लेक्चर है। हाँ मैं अनअकैडमी से भी पढ़ता हूँ 2-3 सब्जेक्ट। तो चलो फिर पबजी खेलते हैं, वरना तुम कुछ अपडेट रहेगा तुमसे भी बताते हैं, कुछ अगर इंटरेस्टिंग हुआ लाइफ में तो। चलो मिलते हैं बाद में। तो जब गाइस टाइम देख सकते हो तुम लोग कितना हो रहा है, ये घड़ी बाय द वे 20 मिनट्स पीछे है शायद ना, हाँ पीछे 20 मिनट पीछे। अभी तक मस्त एकदम पबजी वगैरह कुछ खेल के एकदम बोल एकदम फ्रेश हो रखा है। चलो फिर नीचे मुँह वगैरह धोते हैं, एकदम ऑयली ऑयली सा लग रहा है, पानी भी खत्म हो गया वो लेके आते हैं, क्योंकि फिर 5:30 बजे तुम सभी को बताया था अनअकैडमी अपना लाइव लेक्चर है। चलो नीचे चलते हैं। ओ भाई चार्जिंग लगा हुआ है, लेट अस गो। करनी होती है अदर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज यू हैव टू फुलफिल। जब भी आप कंपनी रजिस्टर करते हो, जब भी आप कंपनी बनाते हो, जब भी आप कंपनी रजिस्टर करते हो, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहां बनाए जाते हैं, और वो दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का नाम होता है सबसे पहला। तो यार गाइस टाइम हो रहा है 9 बजे, एंड अब जाके मेरा आज का वर्कआउट खत्म हुआ। आज के वर्कआउट में मैंने किया लेग्स का वर्कआउट। अब अगर कोई जैसे करना चाहता है घर पे लेग्स का वर्कआउट तो वो कैसे कर सकता है, देखो मैंने जैसा किया है अभी देखो मैं ऑलमोस्ट ना 5 से 6 महीने के बाद प्रॉपर वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रख रहा हूँ। तो आज मैंने किया 150, एक सेकंड पहले ये निकाल दिया जाए, मेरे कान में बहुत गर्मी जैसे लगने लगती है। यस, तो आज मैंने किया था लगभग 150 नॉर्मल स्क्वाट्स किए थे, उसके बाद मैंने 50 लंजेस मारे, उसके बाद 3 सेट्स ऑफ कार्ल फ्रेजेस मारे। इसकी वजह से क्या होगा, देखो स्क्वाट्स से क्या होगा, जो अपनी अपर लेग रहती है वो ट्रेन हो जाएगी, लंजेस से लोअर लेग ठीक हो जाती है, एंड कार्ल से भाई कार्ल खत्म हो गया पूरे लेग्स का वर्कआउट। जस्ट यही तो है, बट इसमें दिक्कत यही है भाई, ये लगता थोड़ा है, करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट जो उसका पेन होता है ना वो अब फील हो रहा है। खैर छोड़ो, पसीने से पूरा हाल बेकार हो चुका है, यहाँ पे तो पंखा भी जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ उस तरफ यहाँ तक हवा ही नहीं आती। अच्छी बात है भाई, मुंह पे लाइट भी कमा रहे होगी, आई नो यार देख रहे हो ऐसा वर्कआउट क्या, फोन पकड़ते पकड़े भी हाथ दुख रहा है, इसके लिए ज़्यादा नहीं बोलूंगा। अब फटाफट अपना एप्स का वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, फिर तुम सभी से नीचे चलते हुए मिलेंगे फ्रेश होने के बाद। चलो मिलते हैं एप्स का वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद। यार ऑल राइट गाइस, लगभग 10-15 मिनट के एप्स के वर्कआउट के बाद भाई लगा पेट पूरा, तो स्टार्टिंग खड़ी में होता है बिकॉज एयर इनटेक उस टाइम पे प्रॉपरली नहीं हो पाता ना, एयर फ्लो अपने बॉडी के अंदर। सो फिर क्या बोलूँ, फिर चलो चलते हैं नीचे, कैसे ना बोलते हैं फटफट चलो। जस्ट अभी नहा के आ चुके हैं, एंड पीछे देख सकते हो कौन लेटा, भाई पापा लेटे, वैक्सीन वैक्सीन लगवा के आए हैं, आराम कर रहे हैं। तो बस ना तुम लोग बताया था कि नहाने का बताऊँगा, फिर थोड़ा बताऊँगा, एंड भाई मम्मी कॉन्स्टेंटली मेरा मुंह देख रही है, मैं उनको रिप्लाई नहीं देना चाहता, बस क्या बोलूँ जाने दो। एंड बाल की हालत पे कुछ बोलना मत, अभी जैसे नहा के तुरंत तुम सभी को बता दिया। चलो फिर चलते हैं नीचे अपना डिनर ऑनऑल करते हैं, फिर तुम सभी से मिलते हैं। चलो तो यार ऑलरेडी कैसे टाइम इज अराउंड 11:20 हो रहा है, और लगभग तुम लोग बैक साइड देख सकते हो भाई आ चुके हैं सर भी, उनका लेक्चर भी चालू कर चुके। चलो फिर अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, बाद में तुम सभी से मिलते हैं। चलो बिकॉज ये लेक्चर खत्म करके हमें 2 घंटे का मैक्स भी देखना था, तो उसके बारे में थोड़ा बता देंगे। फिर ऑल राइट गाइस, एक और लेक्चर कब का खत्म हो चुका है, मेरे को अभी याद है कि मैंने तुम सभी को बताया नहीं था कि मैं इसका लेक्चर कब देख रहा हूँ, देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रूफ दिखाना था कि भाई एक्चुअली लेक्चर चल रहा है। चलो फिर लेक्चर को अपना एंजॉय करते हैं, बातों में सबसे मिलते हैं। चलो तो ऑल राइट गाइस, लगभग 2:30 बज चुके हैं, और अब जाके पूरा लेक्चर हो चुका है खत्म,
अब बस भाई एक लास्ट होमवर्क रह गया है, अपनी लॉ की एक केस स्टडी सॉल्व करनी है, जिसका हाँ लॉ की एक केस स्टडी सॉल्व करनी है, सर ने होमवर्क दे रखा था। चलो वो केस स्टडी को सॉल्व करके उसके बाद भाई गुड नाइट टाटा बाय बाय। और एक और बात बताना चाहता हूँ, अब मैं 2 से 3 दिन ब्लॉग नहीं बनाने वाला, क्योंकि देखो लो यही है मेरी लाइफ, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा जब आदमी घर में कर ही नहीं रहा तो रोज़ रोज़ यूट्यूब पे एक ही चीज़ क्यों डाले भाई, देखने वाला भी बोर होगा, बनाने वाला भी बोर होगा, और इसके पीछे भाई एक तो साला 2-3 घंटा ज़्यादा, हाँ 2 घंटे की लगभग एडिटिंग जाती है इन ऑल, मतलब एक्सपोर्ट में भी टाइम लगता है, उसके बाद इसको अपलोड करने में उतना नेट लगता है, नेट की वैसे भी कमी है नहीं, घर पे वाईफाई है, हाँ तो उसके बाद एन ऑल वगैरह वगैरह। सो दैट्स व्हाई यही बोलना चाह रहा था बस। तो चलो भाई इसके लिए मैं सोचा स्टार्टिंग पहले ही बोल दो कि भाई 2-3 दिन ब्लॉग नहीं आएगा, तो कहीं अगर कुछ नया किया, कुछ एडिशनली हो गया तो भाई अलार्म से ब्लॉग अपना बना देंगे। एंड ये वाले व्यू में मतलब मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करते जस्ट ट्राई करने के लिए, देख रहा था कि चलो देखते हैं कैसा रिकॉर्ड होता है। एंड अगर बात की जाए मेरे परसेंटेज की तो मेरे को अराउंड 74% है 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि देखो मैंने ना इनके कॉलेज के लेक्चर अटेंड नहीं किए थे एक भी, और जिन जिन बच्चों ने कॉलेज के लेक्चर अटेंड किए उन्हें 20% इंटरनल मिल चुका है, मतलब अगर मैं अटेंड करता तो आराम से 85 के अक्रॉस चल जाता, बट उस टाइम पे मैंने सोचा था कि भाई रिटर्न एग्जाम्स होंगे, इनका कॉलेज के लेक्चर देखने में कौन टाइम वेस्ट करेगा, सेटिस्फाई चलो कोई नहीं अब। सो यहाँ पे करते व्लॉग को दी एंड, अगर कल कुछ एडिशनल किया अच्छा किया तभी जाके व्लॉग बनाऊंगा, वरना मिलेंगे कुछ एडिशनल करते वक्त। चलो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय।